अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हमें कौन से प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। तो जो रिसेंटली इनके प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की गई है उसमें जस्ट 2 प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही हमारे पास है इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम। इसके साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल से अप्रूव्ड है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, तो आपने FSC प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग की हो। इसके अलावा अगर आपने DAE का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये भी आप एलिजिबल हैं फॉर अप्लाई के लिए, अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो, ICS या DAE किया हो इन रेलिवेंट फील्ड, और आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन के लिए। इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई किया है वो 10 नवंबर है, और आपने अपनी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में सबमिट करवाने होंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो आपको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरिट बेस्ड, इसके साथ ही HBL फाउंडेशन, लारेब एनर्जी लिमिटेड स्कॉलरशिप जो आपको ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं इसकी टेस्ट की डिटेल्स के बारे में, तो उन्होंने मेंशन किया है कि वो कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो उनके 50% मार्क्स कंपल्सरी हैं। साथ उन्होंने टेस्ट को पास आउट करना है जो कंडक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके साथ ही अगर आपने इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स, अगर इंटरमीडिएट में तो उसके लिए भी कंपल्सरी है कि आपने टेस्ट को पास आउट करना है जो कि कंडक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे और सबमिट करवाएंगे एडमिशन ऑफिस में मेन कैंपस के, तो देन आपको आपकी टेस्ट की डेट या जो एडमिट कार्ड होगा स्लिप होगी वो दी जाएगी फॉर टेस्ट के लिए, और आपको टेस्ट की डेट भी बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी मेरे से एडमिशन के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।